बच्चा सो गई लगता है। बिटिया रानी सो जा, हम अम्मा दूर के पूरी पकाए पूरी। क्या हुआ? शाम से ना दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है मेरा, बर्दाश्त नहीं होता। शाम से दर्द कर रहा है तुमको? तुमने डॉक्टर को दिखाया? तो दिखाना था ना, तुम भी ना बिल्कुल लापरवाह। चलो मैं तुम्हारे लिए दवाई ले आता हूँ मेडिकल से। पापा मैं भी चलूंगी आपके साथ। देखो बाजार का नाम सुन के जग गई। प्लीज ना पापा, मुझे आइसक्रीम खानी है, प्लीज मुझे लेके चलो। अच्छा ठीक है चलो। मैं इसको लेके जा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा चलो आइसक्रीम खाएंगे। पापा मैं स्ट्रॉबेरी खाऊंगी। अच्छा नहीं चॉकलेट। अच्छा नहीं 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 वैनिला खाऊंगी। अच्छा बाबा तुम्हें जो पसंद है वो खा लेना, खुश चलो आज। सोच विचार विचार पद्धति, ये किसी भी व्यक्ति या समाज के विकास की नींव है। सोच समय की तरह परिवर्तनशील होती है और वक्त और परिस्थितियों के हिसाब से बदलती है और बदलनी भी चाहिए। और जब ये नहीं बदलती या हम इसे बदलने से रोकते हैं तो ये उस रुके हुए पानी की तरह से होती है जो गुजरते हुए वक्त के साथ एक ही जगह पड़े पड़े सड़ने लगता है और बीमारियां पैदा करता है। ऐसा ही उदाहरण है हमारा आज का ये एपिसोड, जहाँ एक इलॉजिकल सोच ने कई भयानक गुनाहों को जन्म दिया। अच्छी लगी आइसक्रीम आपको? हाँ ओहो इंदु, अरे रात के वक्त में दरवाजा तो बंद करना चाहिए। इंदु इंदु बेटा, आप यहाँ पे बैठो, आइसक्रीम खाओ, हम आते हैं अभी, ठीक है? आराम से। ये लीजिए सर, हमारी इन्वेस्टिगेशन और केस से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस फाइल में। कुछ चीजें तो इस फाइल से क्लियर हो गई कि मरने वाले ड्राइवर और क्लीनर थे और इनका संबंध गदरमाला राजस्थान से है और ये कि उस दिन मुंबई गुजरात हाईवे से जितनी भी ट्रकें गुजरी उनमें से एक ट्रक का डेस्टिनेशन भी गदरमाला है, लेकिन इस फाइल के मुताबिक वो ट्रक और क्लीनर ड्राइवर वहाँ पहुँच चुके हैं। सर अगर ड्राइवर और क्लीनर का खून हो चुका है तो वो ट्रक गदरमाला पहुँचा है किसने? ये तो ज़्यादा हमें वहाँ जाके ही पता लगाना पड़ेगा। राम साहब कहाँ चल सर? अच्छा इंदु आई है क्या वहाँ? बोलते देखा मैं सही कह रहा था, वो वही है भाई। अब तुझे मेरे लिए एक बार फिर वो करना पड़ेगा,
तो पहले भी कर चुका है। तो उसे जो बन सकता है कर, लेकिन उसे वापस ला दे प्लीज। तू ये है ना बलदेव, तू तो बोल रहा था इसे जानता नहीं। चलो तुम दोनों का टाइम आ गया। तेरी तो हुकुम, हमारे पुलिस पीछे लगी है। हुकुम, मैंने अपनी रिस्क में इंदु का पता तो आपको बता दिया, पर उस काम का मेरे मन ने एक पैसा अभी तक नहीं मिला। हुकुम, हमारे अकाउंट में पैसा जल्दी जमा करो। घर का भेदी लंका ढाए मुरारी, जो बलदेव से मदद की उम्मीद लगाए हुए था, ठगा जा चुका था। और एक बड़ा सवाल यह नजर आ रहा था कि आखिर मुरारी पुलिस से गदरमाला के बारे में क्यों छुपा रहा था, और ये हुकुम कौन था जिसे बलदेव ने फोन करके आगाह किया था। पुलिस को भी गदरमला गांव के संकेत मिले थे, लेकिन इंदु का इस गांव से क्या वास्ता था? कहां थी इंदु? और ये कैसा समाज था जहां इस अमानवीयता से एक औरत की अस्मिता को तार तार किया जा रहा था, और क्यों? ऐसे कैसे बच के जा सकते वो दोनों तुम्हारे हाथ से? इंपॉर्टेंट केस, जाओ यहां से। हमारा शक सही था, इस मुरारी का इंदु के गायब होने से जरूर कोई लेना देना है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मुरारी ने ही अपनी बीबी को गायब करवाया हो? अगर गायब भी करवाया होगा तो कोई वजह तो होनी चाहिए, जबकि इंक्वायरी में यह बात साफ हो गई है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी कोई चीज नहीं थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मुझे लगता है इन सारे सवालों का जवाब हमें गदरवाला से ही मिलेगा। आखिर क्या कनेक्शन है इस वारदात का उस गांव से? एक काम करते हैं, मैं गदरमला जाके वहां का सच पता करता हूँ, तब तक तुम बलदेव और मुरारी दोनों को अरेस्ट करो। ओके सर। हम लोगों ने आपको इंदु किडनैपिंग केस की डिटेल्स भेजी थी, उसमें कुछ कार्रवाई हुई? सर आपने जो हमें डिटेल्स भेजी थी वो हमने पढ़ ली है, और जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी का मुंबई ट्रक गया था उसके बारे में भी हमने पता कर लिया है। हमें इन्वेस्टिगेशन वहीं से शुरू करना पड़ेगा। जी साहब, ये देखिए, ये ट्रक तो परसों ही वापस आ गया था, इस पर डेट भी लिखा हुआ है। कितने लोग थे इस ट्रक पे? ड्राइवर कौन था? सर दो ड्राइवर थे, अजय और शोभित, और एक क्लीनर था विनोद। इन्हें पहचानते हो? नहीं साहब, मैं इनको नहीं जानता हूँ। ध्यान से देखो, ये दोनों भी ड्राइवर हैं और इसी गाँव के हैं। नहीं सर, मैं नहीं जानता हूँ। जो तीनों लोग मुंबई गए थे उन्हें बुलाई। तुम तीनों गए थे इस ट्रक के साथ मुंबई? ठीक है, अभी जा सकते हो, लेकिन बिना पुलिस के परमिशन के गांव से बाहर मत जाना, समझे? दीपक, अगर ये लोग इसी गांव के हैं तो गांव से इंक्वायरी करते हैं, कोई तो पहचानता होगा उन्हें। यस सर। देखा है क्या? ना जी साहब, मैंने इस छोरी को नहीं देखा। मैंने और इंदु ने तो धोखे से मार दिया, लेकिन सर हम उसे मारना नहीं चाहते थे, बस उसे बेहोश करके वहां से भागना चाहते थे। वो गलती से बाहर इतनी जोर का लग गया कि वही मौत हो गई। उसके बाद मैं और इंदु सीधा मुंबई आ गए, और
शादी करके नई जिंदगी शुरू कर दी। साहब, गांव के ना नियम कायदे कानून प्रथा होती है, कानून उन्हें माने या ना माने, लेकिन हम लोग उसको अपनी जान से भी ज्यादा मानते हैं। अरे ये हिंदू और मुरारी ने पूरे गांव का नाम कटवा दियो, तो सबके अंदर गुस्सा भरो, तो फिर दिन फोन आयो बलदेव का, उसने बतायो कि ये हिंदू मुंबई के मीरा रोड में रह रही, तो बस ये बदला लेने को टाइम आ गयो। तो लोगों का गुस्सा हिंदू और मुरारी दोनों पर था ना, है? तो सिर्फ हिंदू को क्यों उठाया? जी, हम तो तीनों को लेने गए थे, वो हिंदू खुद ही आ गई हमारे सामने। वही हमको बोली कि मैं साथ चलने को तैयार हूं, मेरे पति और बेटी को कुछ ना करो, को तो हुकुम ने आदेश दिया तो कि उसको उठा के ले। हुकुम कौन है? क्यों उठवाया था उसे तूने? तब बोलेगा बताएगा या दूसरा तरीका अपनाऊं मैं? मैंने उठवाया था उसे, कमीने को, मारे भाई को मरवाया था उसने, 8 साल से उतरा देने के सोच रहा था मैं, कहां कहां नहीं दूटा उस कमीने को अपने भाई के प्यार में, उसे इंसान पिलाने की शुगर आता मैं, चिंता था, दिल तड़पता था मेरा दिल, अब वो तड़पेगी जिंदगी भर। सुन, जिसे तो इंसाफ कह रहा है ना, वो वैशीपन है। तुम्हारे भाई को इंसाफ तब मिलेगा जब तू हमें बताएगा कि वो कहाँ है और कानून उसे सजा दे। आप जी चाहे कुछ भी कर लो, मैं नहीं बताने वाला कि वो कहाँ है, ना ही कोई गांव वाला बताएगा। गांव के रीति रिवाज तोड़े हैं उसने, गांव की प्रथा तोड़ी है उसने, सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी उससे जिंदगी भर। नहीं बताएगा तू? आप मठे आप चाहे कुछ भी कर लो, मैं नहीं बताने वाला, मैं बताऊंगा। बोल काइंदू, बोल काइंदू, बता बता बता। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद भी मंगल ने पुलिस को नहीं बताया कि उसने इंदू को कहां रखा है, वो जिंदा भी है या नहीं। लेकिन प्रिया और मुरारी हैं जिन्हें ये उम्मीद है कि इंदू जिंदा है और वो वापस आएगी। ये केस इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है कि आज के समय में भी ऐसी प्रथाएं जीवित हैं जिन्होंने इस कदर मानसिक गुलामी में जकड़ा हुआ इंसान को कि वो सही और गलत का फर्क नहीं देख पाता है। ऐसी प्रथाएं ही हमारे देश के विकास की गति में भी अवरोध है। और असलियत ये है कि इस तरह का समाज एक व्यक्ति की इच्छाओं और उसकी सोच को भी नियंत्रित करता है। देश तो आजाद है, लेकिन आज भी ऐसी कई जगहें हैं जहां लोग इस तरह की पिछड़ी और घिनौनी प्रथाओं के गुलाम हैं। मंगल और राजदीप को इंदू को अगवा करने और उसके साथ बलात्कार करने के लिए और मुरारी को प्रताप के कत्ल के लिए गिरफ्तार किया गया है। ये सभी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं और चार्जशीट फाइल होनी अभी बाकी है। संस्कृति और संस्कार इंसान की बेहतरी और विकास के लिए बनाए गए हैं। अगर कोई भी संस्कृति, संस्कार और प्रथा के नाम पर वैश्य होने का दावा करे तो अपने समीर को जगाएं और सही बदलाव लाने की कोशिश करें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को, सीख हम सबको। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
Click the show links and enjoy watching the videos.